आउज़ बिल्लाह मिन शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अजीज साथियों सी मदीना पाक च बैठे हाँ तो अलहमदुलिल्लाह भाई फजल हुसैन साहब नाल साडी मुलाकात होगी जेडे कि कारी साहब के इंतहाई मुहब्बत वाले ने और इन्हां दे बारे विच तुसी माशाल्लाह ये अपना तारफ खुद है अलहमदुलिल्लाह तुसी ओ शेर शुरू कीते सी हाजी साहब हाजी साहब नूं साहब नूं मुफ्ती साहब ने बैन किया कमाई जी थी हराम है तो तुम ये मस्जिद में नहीं दे सकते हाजी साहब अपनी कमाई मस्जिद में देंगे सर हाजी साहब हाजी आलम लोहार साहब जितना प्रोग्राम का पैसा होना सब मस्जिद में दे देना कई दफ़ा तू बेवा ने आ जाना मैं बच्ची की शादी वो भी प्रोग्राम करना सब नू दे आना तो उन्होंने सिर्फ स्कूलों दे आना बरकत हो जनाब अली जो कारी साहब ने अपने मुफ्ती साहब ने फतवा ला दिता एक बड़ी बड़ी मस्जिद बन रही थी इतने लाहौर कुछ के दरम्यान कितने ईदगाह उस जमाने ईदगाह होती थी बाहर बड़ी खुली जगह क्योंकि ईद पढ़ने जगह नहीं मिलती थी अजकल तो डरते होने क्या लोग मस्जिद नहीं जाते ना जी जी तो वो फिर अजीत साहब ने दुआ सी पीर मुल्क अली शाह साहब शिकरी शरीफ वाले फिर जा पीर मुल्क अली शाह साहब शिकरी शरीफ अच्छा शिकरी शरीफ इसराइल में गिर को अपने दमनिया की सरकार की पहला दरबार है पीर साहब जी उन्होंने दुआ सी आलम लोहार साहब ने तो उस दुआ के नाल फिर उन्होंने बड़ा रूझ आया तो जो एक गल बनी तो बड़े परेशान हो गए फिर वह जहाजर साहब को गए उन्हें बड़ा प्यार किया हजरत पीर मुल्क अली शाह साहब शकीले शरीफ पीर मुल्क अली शाह साहब शकीले शरीफ को गए कि हजरत साहब तुम दुआ दी तो मेरी तो कमाई आराम है काजी साहब करती मैं किधर जा बड़े रोए उन्हें क्या पुत्र तू रो ना तू चुप करके मेरे को बह दिलासा दिता तो मैं तेन सी आर फी लिख के देंगा वो सी आर फी उस पढ़ी जाके काजी नू लोग चुक के लिया दे या जबरदस्ती लिया तो लाहौरिए तो उन्होंने पता बड़े चंगे दलेर लोग ने उन्हें क्या काजी साहब तुम चलना कि चुक के खड़ी है आलम लोहार साहब ने सी आर फी पढ़नी उ उन्हें क्या ना चुको ना मैं टुर जाऊँगा उत्थे काजी साहब भी आ गए प्रोग्राम के उन्होंने बिठाता गया तो आलम लोहार साहब ने फिर सी हरफी का पहला बयान किया जिस मैं दसिया उसके बाद फरमाया कि मनु शाह साहब ने की है ये नज़र करना तुम्हें फैसला खुद करना है अपने मुफ्ती साहब के किस तक मैं ठीक है किस तक तुम ठीक हो फिर उन्हें शुरू की जनाब दिखे ने पेश करनी अव्वल हमद सनाए लाई आए अव्वल हमद खुदा दे आखा हर एक शायर जोड़ी कलमे दे दो कलमे सुन ले अल्लाह मुहम्मद जोड़ी आए दोस्त पाक नबी दे चारे आए दोस्त पाक नबी दे चारे चारे जोड़ी जोड़ी चारे किबले चार मुसल्ले थक ले जोड़ी जोड़ी आए नफल नमाज तहज्जुद पढ़ दे ओ नफल नमाज तहज्जुद पढ़ दे हर एक जोड़ी जोड़ी आए खदी से साबित कर दी आही जोड़ी जोड़ी आए यूसुफ ते जुलीहा वाली यूसुफ ते जुलीहा वाली क्या अजायब जोड़ी ऐन इश्क दी ऐन अली दी भीम मुहम्मद जोड़ी ऐन इश्क दी ऐन अली दी भीम मुहम्मद जोड़ी आए जोड़ी जे वजाउणी मनाउंदी ना बणदी ऐ जोड़ी पीर मुल्क अली शाह साहिब ने लिख दित्ती ऐ जोड़ी आए लिख दित्ती ऐ जोड़ी ओ जनाब उत्थे पढ़ी गई तो कारी साहब के नसे ने कहा मैं तो सिर्फ कुरान पाक जानना मैं रमज़ान ही पछाण बस तो उस वक्त फिर बड़ा रिकॉर्ड होया बकायदा बहुत चलिया दुनिया ने बड़ा पसंद किया ताए फरमाने श्रद्धा मदा श्रद्धा मदा श्रद्धा मदा देना जबरा आए विच कुरान दे आई
ਬੇਅਕਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਬੇਅਕਲਾਂ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਤੇ ਬਲੀਆਂ ਰਮਜ਼ਾਂ ਪਾਈ ਬਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਆਏ ਹਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਆਏ ਫਿਰਦੇ ਆ ਪੁੱਛ ਪਾਇਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਪਤੰਗਾਂ ਵਾਲਾ ਚਿਹਰਾ ਸ਼ਮਾ ਜਲਾਵਾਇਆ ਆਏ ਬਾਰੂ ਦਿਸਦੇ ਓ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਬਾਰੂ ਦਿਸਦੇ ਆਏ ਬਾਰੂ ਦਿਸਣ ਓ ਮੈਲੇ ਕਾਲੇ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਭਗਾ ਇਹ ਬੜਾ ਰਮਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਮੇਂ ਅੱਲਾ ਉਸਕੇ ਰਸੂਲ ਕੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀ ਗਈ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਤਹਾਰ ਔਲੀਆ ਕਾਮਿਲੀਨ ਕੀ ਸਿਫਾਤ ਕੋ ਬਿਆਨ ਕੀਆ ਗਿਆ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਮਰਹੂਮ ਕੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਏ ਗਾਜੀ ਫਜ਼ਲ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਭਾਂਜੇ ਹੈ ਇਨਕੇ ਮਾਮੂ ਥੇ ਆਲਮ ਲੋਹਾਰ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਇਨਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਨੀ ਕਾ ਇੱਕ ਫੈਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਮ ਸ਼ੇਖ ਗੌਸਿਆ ਅਲੀ ਬਿਓਡ ਮੈਂ ਕਲਸਾ ਦਰਾਸ ਤੱਕ ਸਲਾਤ ਉਸਲਾਮ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਤੇ ਰਹੇ ਔਰ ਵਹਾਂ ਕੇ ਮੁਕਤਦੀ ਹੈ ਲਿਬਰੀਓਡ ਲੰਦਨ ਕੇ ਹਮੇ ਬੜਾ ਫਖਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮਾਰੀ ਮਦੀਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਕੀ ਯੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਇਸਕਾ ਫੈਜ਼ ਹਮੇ ਅਤਾ ਫਰਮਾਏ ਹਾਜੀ ਮਹਮੂਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਲਗ ਸਾਹਿਬ ਦੀਗਰ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਹਮਾਰੇ ਸਾਥੀ ਕਿਬਲਾ ਸਹੀਦ ਅਸਾਨ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਗਜ਼ਨਫਰ ਦੀਗਰ ਜੋ ਸਾਥੀ ਆਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਰੱਬੁਲ ਇੱਜ਼ਤ ਸਭ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਜਜ਼ਾਕ ਅੱਲਾ ਵਾਖਸਮਰ ਜਜ਼ਾ ਵਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਮਤੁਲਾਹ ਵਬਰਕਾਤ।